अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज मैं रेसिपी कुछ नहीं डाल रही हूँ, आज थोड़ा सा मैं घर का बता रही हूँ। मुझे दो तीन बार कमेंट्स में बोले थे कि आप घर का बताइए, आपके फैमिली कितनी है वो बताइए, तो आज मैं कमेंट्स में बोले थे ना, इसीलिए आज मैं थोड़ा घर का बता रही हूँ। ये देखिए, हम रूम में आ गए हैं। ये हमारी रूम है, छोटी सी रूम है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी रूम है, बस इतनी सी है रूम। हाँ, ये देखिए, छोटी सी रूम में एक जो जो भी मेकअप करना है बच्चों के लिए आकर, ये एक छोटा सा आईना है, ये छोटा सा कबोर्ड है, जो भी मैं यहाँ पर छोटे मोटे बहुत चीज यहाँ पर रखती हूँ मैं, ये है यहाँ पर छोटा सा कबोर्ड है। यहाँ पर देखिए, चार बच्चे छोटे मेरे नवासे, छोटे छोटे वो फोटोज है, और यहाँ पर बालकोनी है। ये देखिए, मशीन भी है यहाँ पर, मैं टेलरिंग भी करती हूँ, मैं कपड़े भी सिलाई करती हूँ मैं। आइए, अब मैं बालकोनी दिखाती हूँ। बालकोनी भी बहुत छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये देखिए, ये छोटी सी बालकोनी है, बस इतनी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बस छोटी सी है। हाँ, मेरे पोते के दो मीठू हैं। मीठू का नाम क्या है पता है? मेरा पोता क्या नाम रखा है? बेबी। दोनों हैं, दो बेबी को बताती हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए, मेरे पोते के ये बेबी हैं, ये दो मीठू हैं, ये दो तोते हैं, इसी का नाम रखा है वो बेबी, बेबी करके ऐसा बोलता है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों हैं, कितने अच्छे हैं प्यारे। एक बार वो साइड खड़ कर पकड़ती हूँ वीडियो, एक बार ये साइड में पकड़ती हूँ। अभी आइए, मैं किचन को ले जाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी छोटी सी किचन है, जो भी मैं बनाती हूँ शाह किचन के लिए, जो भी मैं बनाकर यहाँ से बताती हूँ, यही किचन है मेरी। यहाँ पर देखिए, बताती हूँ, यहाँ फ्रिज रखी हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ पर जो भी मैं बनाती हूँ यही है, बस इतनी ही है मेरी किचन, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी है, लेकिन बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी, बस इतना। यहाँ कप सब यहाँ पर थोड़ा बहुत। देखिए, आज मैं दाल चावल बनाई हूँ, आज चिकन ग्रेवी बनाई हूँ, खाने के लिए बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए खाने के लिए ये सब बनाई हूँ, दाल चावल बनाई हूँ, चिकन ग्रेवी बनाई हूँ। यहाँ पर देखिए, बस इतना सा। यहाँ पर देखिए, शाह किचन के और मेरे घर के मसाले यहाँ पर रखती हूँ मैं, जो भी यहाँ पर मैं इस्तेमाल करती हूँ वो सब यहाँ पर है, ये थोड़ा सा, बस इतना ही है। और यहाँ पर मैं बाथरूम भी बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक बाथरूम है, यहाँ पर जो भी कपड़ा धोना जो भी है यहाँ पर है। फिर से मैं यहाँ पर रूम में आ गई हूँ। देखे ना आप लोग, मेरा हॉल दिखाई हूँ, किचन दिखाई हूँ, बाथरूम भी दिखाई हूँ, रूम भी दिखाई हूँ, मैं रूम में आ गई हूँ। बालकोनी बहुत छोटी, बस छोटा सा सिंपल सा घर है मेरा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस सिंपल सा है। जो भी है मैं घर का बताई हूँ। हाँ, मेरे घर की फैमिली जितनी है अभी मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, यहाँ पर जो भी होता है, जो भी चलता है, जो भी लाना है करना है मेरे हस्बैंड के इससे ही चलता है। यहाँ पर घर के जो बड़े हैं मेरे हस्बैंड, उनके बाद मैं हूँ। हाँ, मेरे चार बच्चे हैं, मेरा पहला बेटा है, उसके दो बच्चे, एक तो आपको पता है हमदान का इंतकाल हो गया ना, पता है आपको, अभी दूसरा है मोहम्मद अली, दूसरा है 1.5 साल का है, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मेरे घर में इतनी ही फैमिली है। मेरे चार बच्चे में से बेटा, बहू, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा पोता, ये घर में रहते हैं। मेरी तीन बेटियों की शादी हो चुकी है, बड़ी बेटी है मेहर तस्मिया है ना, उसकी मम्मी है, वो मेरी बड़ी नवासी है, उसकी फैमिली है, वो उनके घर में सेटल है। जो मेहनाज फातिमा है, खतर में रहती है वो बेटी, वो उनके घर में सेटल है, वो वहां पर है खतर में। और छोटी बेटी है मेरी जोया फातिमा, मैं उसके घर का भी वीडियो आप लोगों को बनाकर बताई हूँ, तो वो उनके घर में सेटल है। मेरे चार बच्चे हैं, मेरी इतनी फैमिली है। आपको पसंद आए तो कमेंट्स कीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट्स कीजिए, मेरी इतनी फैमिली है। मेरे बच्चों को मैं बोलती हूँ कि आप भी वीडियो में आए, तो उनका कुछ ना कुछ रहता है, वो वीडियो में नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगी। मेरे नवासे नवासियां सब तो वीडियो में आकर है। हाँ, मेरा पोता एक नहीं आकर है, मैं उसको भी जरूर से लेकर आऊंगी, उसका टाइम आने दो, मैं लेकर आऊंगी।
मेरे पोते को भी मैं जरूर से आप लोगों को मिलाऊंगी। बस इतना, नवासी नवासी यही। बड़ी बेटी के दो, एक लड़का एक लड़की है। खतर वाली के दो लड़के एक लड़की है। छोटी का एक लड़का है। अभी इंशाल्लाह उसके घर में और एक मेहमान भी आने वाला है। तो इतनी है फैमिली। मुझे कमेंट्स में बताए थे, आप लोग बोले थे, पूछे थे मुझे, बताइए आपका घर बताइए, आपकी फैमिली का बताइए, तो मैं बताई हूँ। हाँ, मैं और एक चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं YouTube में कैसा आई, मुझे YouTube का कुछ भी पता नहीं था। मैं बाहर ज्यादा नहीं जाती, मैं घर में ही रहती हूँ। मुझे उतना बाहर का ये सब कुछ उतना पता नहीं, मैं घर की हूँ। मुझे YouTube, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, बहुत। जो भी मैं बनाती हूँ, मेरे बच्चे, उनके बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं। लेकिन मेरे घर की फैमिली में से दो लोग, एक मेहर तस्मिया, एक मेहनाज फातिमा, मेरे नवासी हैं दोनों भी। वो लोग दोनों भी जब भी मेरे घर में आते हैं, मुझे बोलते हैं, नानी आप यूट्यूब में आइए, खाना इतना अच्छा बनाते हो आप, बहुत लजीज रहता है, बहुत टेस्टी रहता है, तो यूट्यूब में आइए आप, ऐसे बोलते हैं मुझे। मुझे पता नहीं था यूट्यूब का, मुझे पता नहीं था। तो ऐसा मुझे बताए, मुझे भी ऐसा शौक आया कि मैं क्या करूं क्या। बच्चे लोग मुझे वीडियो दिखाते, दूसरों का वीडियो बताते थे मुझे, नानी ऐसा ऐसा है, नानी ऐसा ऐसा है। तभी मुझे समझ में आया बात, मेरी बहू से मुझे मदद मिली। मेरी बहू जो भी अब तक वीडियो जो भी मेरे साथ खड़के करती है, मेरी बहू अरफा है। अरफा मेरी बहुत सपोर्ट करती है, मेरी बहू मेरी बहुत सपोर्ट करती है। मेरे बच्चे बोले, अरफा बोले कि आप बनाओ अम्मी, हम लोग हैं आपके साथ, बनाइए। तो मैं ऐसे आई, मैं यूट्यूब में कैसा आई आप बताई हूँ मैं आप लोगों को, मैं ऐसे आई। हाँ मैं आई हूँ, मैं आप लोगों को हर तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे रेसिपी आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रहे हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल की फैमिली हो, मेरी फैमिली हो आप लोग। आप लोग बहुत मेरे लिए बहुत किए हैं, आगे भी ऐसे ही कीजिए। आप जो अब तक मुझे 2K हो गए, अब तक 5K 10 तक मुझे लेकर जाना, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। आप लोग मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, आप लोगों की बहुत बहुत जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है मुझे, बहुत जरूरत है। अब तक जो आप सपोर्ट किए हैं, आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। जल्द से जल्द 4K 5K कीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जरूरत है सब्सक्राइब की भी, बहुत जरूरत। जो भी है मैं ओपन आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो इसीलिए मैं बता रही हूँ। आप मेरी फैमिली हो ना इसीलिए। आप जो भी कमेंट्स में बोलते हो बताते हो, मैं बनाकर बताती हूँ। अगर आपको और भी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आराम से बनाकर मैं बताऊंगी। हाँ ये भी, जो भी मैं किचन में खड़े कर जो भी फटाफट मैं बनाकर बताती हूँ, ये इतना आसान नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से बहुत थोड़ी दूर पर मैं जो भी मुझे चाहिए बनाने के लिए वो लेकर आने जाती हूँ, चलकर ही जाती हूँ, चलकर ही आती हूँ। मुझे भी थोड़ा तकलीफ बहुत होती है, आती हूँ, मेरी बहू सारा घर का काम कर लेती है। मुझे जो भी रेसिपी का करना है, आकर मुझे जो भी मैं रेडी करना है, मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ कि कितना टाइम लगता है, उसमें भी बहुत टाइम। 2 बजे मैं जो भी मैं लेकर आती हूँ, उसे काटना, जो भी मसाले तैयार करना, मैं तैयार करना, 2 बजे से मुझे 3.5 घंटे लग जाते हैं। इतना टाइम तो 1.5 से 2-3 आवर तो लगता है। फिर मैं रेसिपी के लिए खोलती हूँ, मेरा वीडियो मेरी बहू करती है। मुझे तो 5 बजे लग जाते हैं, 4 से 5 घंटे टाइम लगते हैं। ये इतना आसान भी नहीं, बोलना है, बनाना है, बताना है। देखने में बहुत 10 मिनट 15 मिनट में, 2 मिनट में भी खत्म हो जाता है वीडियो, लेकिन बनाकर बताने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ, एक दिन मुझे क्या क्या करना पड़ता है, जरूर से मैं आपसे शेयर वो भी करूंगी, शेयर करूंगी आप लोगों से। जो भी है मैं बताई हूँ, आगे आप लोगों के ऊपर है। जल्द से जल्द शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आप सबको, आप सबने मेरे नानी की इतना सपोर्ट किया, आगे भी मेरे नानी की सपोर्ट कीजिए। मेरे नानी के वीडियोस को जल्द से जल्द 10K तक आपको ही ले जाना है, मेरी नानी की सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। ये देखिए मेरी बड़ी नवासी है, बड़ी बेटी की बेटी है, ये मेरी नवासी है। इसका नाम मेहर तस्मिया है, ये मेहर तस्मिया है। मेहनाज फातिमा जो दूसरी बेटी है, मेहनाज फातिमा, मैं उसकी, वो तो यहाँ पर नहीं है, मैं उसकी फोटो मैं सेट करती हूँ, उसकी फोटो और इसकी, ये दोनों ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं।
इसीलिए बच्चे तो मुझे यहाँ तक लेकर, आप भी लेकर आए हैं, तो और भी आगे थोड़ा लेकर जाइए। मैं घर का भी बताई हूँ, मेरी फैमिली का बताई हूँ, इंशाल्लाह मैं मेरे बच्चों से भी आपको मिलाऊंगी जरूर से। आप लोगों को सभी मैं वीडियो बताई हूँ, मेरे घर का सब बताई हूँ मैं आप लोगों को। फिर मैं कल नई रेसिपी के साथ आपको मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।